महेश शर्मा हैं और आपका यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बताऊं कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, परिवर्तन। जीवन में जो परिवर्तन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी फील्ड में अगर चले जाओ, लोग अगर परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं तो डेफिनेट आपकी मेहनत बढ़ने वाली है। और जो लोग परिवर्तन नहीं करते, समझ लो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेंज इक्वल टू ग्रोथ। अगर आदमी परिवर्तन करने के लिए तैयार है, समझ लो आप सही पर्सन के साथ काम कर रहे हो। अगर वो परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको एक ही चीज़ करना चाहिए, उनको प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए आप बोलें और आप कुछ ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो इमीडिएट परिवर्तन करने को तैयार है। मैं आपको बताऊं कि रिक जॉर्डन सर ने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था उदयपुर के फैमिली रियूनियन में, कि एक होता है स्पीड बोट और एक होता है बड़ा शिप। तो स्पीड बोट ऐसा होता है जो इमीडिएट चेंज हो जाता है, और एक बड़ा शिप होता है उसको चेंज होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्पीड बोट की तरह होंगे, जो जिनकी ज़िंदगी में आज इस बिज़नेस को बिल्ड करना है, अपना एक स्ट्रांग रीज़न है, तो वो इमीडिएट चेंज होंगे और वहाँ पर इमीडिएट आपको ग्रोथ मिलेगी। और एक लोग होंगे जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बड़े शिप की तरह होंगे, तो वो जो हैं बहुत मुश्किल से चेंज होते हैं, और पहली बात तो होंगे नहीं, और होंगे तो बहुत लंबा समय लेंगे। तो दोस्तों, जीवन में जो समय है ये बहुत कम है। हम सब लोगों के पास जो लिमिटेड चीज़ है वो समय है, और ये जो समय है आप किन लोगों के साथ दे रहे हो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने जिसके साथ टाइम दे रहे हो, क्या वो समय का वाकई में आपका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, सबसे पहले आप ये चेक करें। अगर आप जिनको टाइम दे रहे हैं वो वही क्वेश्चन, वही चीज़ें बार बार आ रही है, तो आप समझ लो आप गलत पर्सन के साथ काम कर रहे हो। क्योंकि आपको एक चीज़ समझना है कि समय भी क्वेश्चन भी वही है और आदमी भी वही है, तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या तो वो आदमी बदल जाना चाहिए या उसका क्वेश्चन बदल जाना चाहिए। अगर आदमी भी वही है, क्वेश्चन भी वही है, समस्या भी वही है, तो बिजनेस जैसा आज है आपका वही बिजनेस आपका कल भी रहने वाला है, परसों भी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन कुछ है नहीं, और जब परिवर्तन नहीं है तो ग्रोथ नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि हम खुद बदलें, बिजनेस में चेंज जो लोग होने को तैयार हैं उनके साथ हम लोग काम करें, और आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ यकीन माने, हम भी कुछ गलती की है इस लेवल पर, कि अगर कोई आदमी, दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है, हम उन लोगों से वो काम कराना चाहते हैं जिस काम को वो लोग करना नहीं चाहते। हमें क्या करना है, हमें एक ही चीज़ करना है, हमें ऐसे लोगों की तलाश करना है जो इस काम को आज करना चाहते हैं, जिसके पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न है, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने का विज़न है, और डेफिनेट वो लोग ग्रो करते हैं दोस्तों। और आपके पास अगर लिमिटेड समय है, तो आप अगर आपने उन गलत लोगों को टाइम दिया, तो सही लोग जो वाकई में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोग आपके टीम में आने से आप उन लोगों से वंचित रह जाएंगे। तो आप सही लोगों को सिलेक्ट करें जिसके ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग रीज़न है, जो आज काम करना चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं, और जो लोग कमिटेड हैं, जो बोल रहे हैं आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोल रहे हैं, परसों क्या बोल रहे हैं, रोज़ न्यूज़पेपर की तरह जिनके स्टेटमेंट चेंज होते हैं, उनसे डरिए दोस्तों। जो लोग मतलब उनकी शब्दावली में चेंज आता है, जैसे ये इसमें क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आज वो कहेंगे सर मेरे को बहुत ज़ोरदार काम करना है, कल वो कहेंगे सर मेरे यहाँ घर में मेहमान आ गए अभी मैं नहीं करूँगा, परसों वो कहेंगे सर मैं दूसरी कंपनी का एक बहुत बढ़िया प्लान आ गया है, नर्सों कुछ और अलग बात करेंगे, फिर कुछ अलग बात करेंगे। दोस्तों, ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है आपको आगे बिजनेस में बढ़ाने के लिए। तो आप क्या करें, ऐसे लोगों को पहचानें, सही लोगों को चूज़ करें जो वाकई में काम करना चाहते हैं, उनके साथ अपना टाइम और एफर्ट्स डालें, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 90% लोग जो फेल होते हैं ना, वो गलत लोगों के ऊपर काम करने से होते हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, गलत कोई इंसान नहीं होता, उनका समय गलत होता है। क्योंकि ज़िंदगी में दो चीज़ ऐसी होती है, समय और समझ, ये दोनों एक साथ कभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब समय निकल जाता है तब लोगों को समझ में आती है, और जब समझ में आती आती तब तक समय निकल चुका होता है। जो अपलाइन जिनके ऊपर फोकस कर रही होती है वो किसी और के ऊपर फोकस कर देती है। तो आपको एक ही चीज़ करना है, जब आपके पास कोई अपलाइन आ रही है आपको सपोर्ट करने के लिए, तो माइंड को ओपन रखिए, सही तरीके से उनको फॉलो कीजिए, और अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं
और नई नई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री की, तो ये जो अभी चैनल जो आपको सब्सक्रिप्शन का जो बटन आ रहा है, आप इसको सब्सक्राइब करें और आप आने वाले नए वीडियो को आप इनका अपना बेनिफिट ले सकते हैं। और मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि आने वाले समय का सबसे बड़ा ट्रेंड डायरेक्ट सेलिंग होगा, और डायरेक्ट सेलिंग में यूनिसिटी वर्ल्ड में नंबर वन होने वाला है। दोस्तों मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड है और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। लीडरशिप ज़बरदस्त है, सिस्टम बहुत शानदार है, ज़रूरत केवल आपके डिसीजन की, आप निर्णय लो। आने वाले 180 डेज़ के अंदर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, गो डायमंड।